शाहरुख खान ने स्ट्रगल के दिनों में कर दी थी बड़ी फिल्म को रिजेक्ट। को एक्टर्स के संग जाने के बावजूद भी शाहरुख ने कह दिया था ना। अब इसको लेकर इस एक्टर ने बड़ा खुलासा किया है। तो आखिर कौन सी वो फिल्म थी जिसको शाहरुख ने ठुकरा दिया था और इस फिल्म को शाहरुख ने ना क्यों कहा था, आखिर क्या थी पीछे की वजह, आइए जानते हैं। दरअसल सबसे पहले शाहरुख खान ने टेलीविजन इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाई थी। शाहरुख फौजी सर्कस जैसे कुछ शानदार टेलीविजन सीरियल्स का हिस्सा रह चुके हैं। उनके शुरुआती दिनों में उनके साथ काम करने वाले कई एक्टर्स में मुश्ताक खान भी थे। हाल ही में मुश्ताक खान ने एक इंटरव्यू में शाहरुख खान द्वारा एक बड़ी फिल्म के ऑफर को मना करने को याद किया, जिसके बारे में उन्होंने खुलासा किया है। मुश्ताक ने शाहरुख की बड़ी फिल्मों को ठुकराने के पीछे की वजह का भी खुलासा किया है। देखिए, एक इंटरव्यू में मुश्ताक खान ने गुजरे हुए वक्त को याद किया जिसमें वो शाहरुख खान के साथ काम करते थे। एक किस्सा शेयर करते हुए मुश्ताक खान ने कहा कि उन्होंने शाहरुख खान के साथ उम्मीद नाम की एक टेलीविजन शो में एक्टिंग की थी जिसे उन्होंने नासिक में शूट किया था। सुपरस्टार के साथ काम करने के दौरान ही उन्हें समझ आ गया था कि शाहरुख खान वहां ज्यादा वक्त तक नहीं टिक पाएंगे। एक बार शाहरुख ने मुश्ताक खान से मेकर प्राणलाल मेहता के बारे में पूछताछ भी की थी। उन्होंने उन्हें बताया था कि वो एक बड़े मेकर हैं। शाहरुख ने उन्हें बताया कि उन्हें प्राणलाल के बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। उन्हें जवाब देते हुए मुश्ताक ने सजेशन दिया था कि शाहरुख खान उनके साथ वो प्रोजेक्ट करें, लेकिन शाहरुख ने उनसे कहा कि वो इंतजार करेंगे और देखेंगे। फिर भी मुश्ताक खान ने शाहरुख से कहा कि अब और इंतजार ना करें और सिर्फ प्रोजेक्ट ही करें। हालांकि 4 से 5 दिनों तक इस बारे में सोचने के बाद शाहरुख ने मुश्ताक खान से कहा कि वो इस प्रोजेक्ट को नहीं करेंगे। उनकी रिएक्शन से हैरान होकर मुश्ताक खान ने उनसे कहा, पागल हो गए हैं, आप नहीं जानते कि प्रोडक्शन हाउस कितना बड़ा है और फिल्म का डायरेक्शन करने वाले डायरेक्टर ने पास्ट में हिट फिल्में दी हैं। लेकिन मुश्ताक के समझाने के बावजूद शाहरुख खान ने फिल्म छोड़ने का ही फैसला किया। मुश्ताक खान ने बताया कि शाहरुख ने उन्हें फिल्म को एक्सेप्ट करने का मेन रीजन बताया था। उन्होंने बताया, शाहरुख ने उनकी भूमिका देखी, उन्होंने मुझे बताया कि उनकी भूमिका राजकुमार के बेटे की थी और वे उन्हें फिल्म में कुछ भी नहीं करने देंगे। मुझे 2-3 गाने और 2-3 सीन मिल रहे हैं और वे सभी राजकुमार के साथ हैं, मैं उस फिल्म में क्या करूँगा। ये शाहरुख थे उस वक्त जब वो कुछ नहीं थे तो उन्होंने इतनी बड़ी फिल्म रिजेक्ट कर दी थी। हालांकि शाहरुख की किस्मत में कुछ और ही लिखा था, उन्होंने कई सारी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया और आज वो बॉलीवुड के बादशाह कहलाते हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यू, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।